नई शिक्षा लेकर जो बहस चली है, सातवें चरण के बहाली, शिक्षकों की सातवें चरण की बहाली को लेकर जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद जो नई बहाली प्रक्रिया जो बताई गई है, उसको लेकर अभ्यर्थी आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे और भी बेहतर शिक्षक चुनकर आएंगे, मगर अभ्यर्थियों का कहना कुछ और है। तो इसको लेकर चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे तमाम बातें इस वीडियो में। बंद कमरे में नीति बनाने से नीति, यही कारण होता है ना कि भैया इनकी नीतियां धरातल पर पूर्णतः लागू नहीं हो पाती, क्योंकि जिनके लिए ये नीतियां बनाते हैं उनसे कभी इन्होंने राय मशवरा करना ज़रूरी ही नहीं समझा। नई गठन होगी, उसके बाद से सारी बहाली प्रक्रिया होंगी, पिछले जो भी सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी थे लगातार प्रदर्शन करते आए हैं, क्या होगा अब उनका? भाई ये तो सरकार ही बताए, सातवें चरण की बहाली की मांग तो हम लोग एक लंबे समय से हम लोग करते आए हैं। जब ये उसी को ही धरातल पर ये लोग अभी नहीं उतार पाए, तो अब ये नई नीति से क्या लाभ होगा ये सरकार ही बेहतर बता पाएगी।